जादुई वेल। समंदर के किनारे पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सागर नगर था। उस गांव में बहुत सारे परिवार रहते थे और वो सारे ही मछुआरे थे। उन सारे लोगों को मछलियां पकड़ने के सिवा कोई और काम नहीं आता था। उन्हीं में रामू नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक बेटा भी था। रामू हमेशा यही सोचता था कि उसका बेटा सूरज पढ़ लिख के कोई बड़ा काम करे, इसीलिए वो सूरज को हमेशा समंदर से दूर रखा करता था। जब सूरज 10वीं क्लास में पढ़ रहा था तब एक घटना घटी थी। रामू काका, मैंने सूरज को बहुत मना किया था कि समंदर ना जाए, लेकिन वो भोला भैया के साथ मिलकर फिर से समंदर चला गया है। हे भगवान, कितना बड़ा कांड हो गया। कितना भी कहो, ये लोग सुनने वाले ना हैं। मैंने कितनी बार कहा था उस भोला से कि सूरज के साथ कम घूमा करो, वरना वो भी उसकी तरह बन जाएगा। आने दो उनको, देखना कैसी खबर लेता हूँ। इस तरह सूरज का पिता रामू समंदर के किनारे बैठे सूरज का इंतजार कर रहा था। सूरज पढ़ाई तो कर रहा था, लेकिन सूरज को हमेशा यही ख्याल रहता था कि वो उनके परिवार वालों की तरह वो भी समंदर में जाए। लेकिन ऐसा करना उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने पिता से डरता था और चोरी छुपके कभी कभार समंदर में चला जाया करता था। फिर घर वापस होने के बाद सूरज का पिता उस पर चिल्लाया करता था। ये सब उनको आदत हो गई थी। लेकिन इस बार सूरज का पिता कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। जैसे ही सूरज वापस आया, उसका कॉलर पकड़कर वो अपने घर ले जाता है। मैंने कितनी बार तुमको समझाया है, लेकिन तुम हो कि समझते ही नहीं हो। अब और तुम यहाँ ना रहोगे, तुम्हें मैं शहर भेजने वाला हूँ और वहीं अपनी पढ़ाई लिखाई करना। दोबारा यहाँ वापस कभी ना आओगे तुम, समझे। इस तरह सूरज का पिता रामू सूरज को अपनी बुआ के घर छोड़ देता है और वो वापस आ जाता है। इसी तरह बहुत साल गुजर गए थे, लेकिन सूरज का पिता सूरज को वहाँ से कभी नहीं लाया था और सूरज अपनी बुआ के घर पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करता है। इसी तरह 10 साल गुजर गए थे और सूरज के पिता रामू का गुस्सा भी ठंडा हो गया था। फिर एक दिन सूरज अपने गांव वापस आता है। अरे यार राजू, तुम्हें पता है मैंने इस समंदर को कितना मिस किया। यहाँ की ये ठंडी ठंडी हवा और ये समंदर की इतनी खूबसूरत लहरें और इनकी आवाज, माय गॉड। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? रामू काका ने बहुत ही अच्छा काम किया है जो कि तुमको पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था, वरना जो हाल भोला भैया का हुआ था वही तुम्हारे साथ भी हो सकता था। अच्छा राजू, भोला भैया कैसे हैं? चलो ना, हम उनसे मिलकर आते हैं। अच्छा हाँ, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है ना। चलो चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या हुआ था। फिर सूरज और राजू मिलकर भोला के घर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सूरज ने देखा कि वो बहुत ही मुश्किल से चलकर आ रहा था। उसने देखा कि भोला का एक पैर नहीं था, जिसे देखकर सूरज बहुत दुखी हो गया था। ये क्या हो गया भोला भैया, ये सब कैसे? बचपन में मैं तो आपको देखकर अपना हीरो मानता था और हमेशा आपकी तरह बनने की कोशिश करता था, लेकिन ये सब कैसे हो गया भैया? अरे राजू, तुम यहाँ से घर जाओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। ये सूरज को तुमसे मिलना था, वरना मैं तो कभी ना आऊं यहाँ। ये कहता हुआ बहुत ही गुस्से से राजू वहाँ से चला जाता है। ये राजू भी ना हमारे सागर नगर का न्यूज़पेपर है, उसके कान जो खबर पड़ गई हर घर पहुंचा देता है। हमारा गांव बिल्कुल नहीं बदला है, वही हवा, वही वातावरण, सब पहले जैसा था। 10 साल के बाद भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें शहर भेज दिया था, क्योंकि तुम भी हमारी तरह ही ना बन जाओ। ठीक है, अभी मैं कहता हूँ
वो ध्यान से सुनो, समंदर के नीचे बहुत ही गहराई में एक खजाना है, बस उसी की खोज में मैं गया था और वहां मैंने अपना पैर गवा दिया। अरे भैया, ये सारी बातें तो मैं अपने बचपन से सुन रहा हूँ। अरे सूरज मेरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ। यहाँ से ठीक दक्षिण की तरफ 100 किलोमीटर दूर पर वो खजाना छुपा है जहाँ हम लोग गए थे। और हाँ, मैंने सुना है कि वो जगह बहुत गहरी है और एक बहुत बड़ा भंवर भी है जो बड़े से बड़े नाव को भी अपने अंदर खींच लेता है। हाँ ये बात सच है, मैं वो जगह गया था, लेकिन असल में वहाँ पानी का भंवर नहीं, एक खतरनाक जानलेवा मछलियों का अड्डा है। वहाँ बहुत खतरनाक मछलियाँ हैं और वो अनगिनत हैं। और वहीं पे मैंने वो खजाना देखा था। वहाँ जाने से पहले ही उन मछलियों ने हम पर हमला कर दिया था, जिससे सारे लोग मर चुके थे। मेरा नसीब अच्छा था जो कि मेरी जान बच गई। जब मैंने आंख खोली तो देखा कि मैं एक अस्पताल में हूँ और मेरा एक पैर कट चुका था। तो क्या उस खजाने को हम कभी नहीं ले सकते? जब तक वो मछलियां वहां पर है, हमारा जाना तो नामुमकिन है। वो सारी बातें सुनकर सूरज वापस अपने घर चला जाता है, लेकिन सूरज की सारी सोच उस खजाने पर ही लगी थी। हमेशा उस खजाने के बारे में ही सोचता रहता था, क्योंकि उस खजाने के बारे में सूरज बचपन से सुनता था। कई सदियों पुरानी बात है कि एक चोरों की टोली थी जो हर गांव घूमकर चोरियां करते थे और अन्याय करके सारे लोगों से पैसा, जेवर, सोना, चांदी और बहुत सारे हीरे जवाहरात भी चुराया करते थे। फिर एक बड़े से नाव में वो सारा सोना और हीरे मोती डालकर वो किसी दूसरी जगह जाने वाले थे, लेकिन समंदर में तूफान आ गया था जिसके कारण वो नाव पानी में डूब गया था और जितने भी लोग उस नाव में थे वो सारे ही मर चुके थे और वो नाव समंदर की गहराई में चला गया था। उसके बाद जो भी उस खजाने के लिए जाता था उनका हाल यही होता था। ये सारी बातें सूरज बचपन से ही सुनता रहता था और सारे गांव वाले ये भी कहते थे कि उस समंदर में जहाँ वो खजाना है वहाँ एक बहुत बड़ा भंवर है और वो भंवर बड़े से बड़े नाव को भी अपने अंदर खींच लेता है। जिसको अपनी जिंदगी प्यारी थी वो कोई उस तरफ नहीं जाया करता था, लेकिन सूरज को पहली बार ये बात पता चली थी कि वहाँ बहुत ही बड़ी और जानलेवा मछलियाँ रहती हैं। इसका मतलब वो जानलेवा खतरनाक मछलियाँ जो भी उस खजाने के लिए जाते हैं वो उन्हें मार देती है। भोला भैया की किस्मत अच्छी थी। ये मुश्किल काम जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वहां जाना शायद खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन अगर वो खजाना हमें मिल जाता है तो हमारा ही नहीं बल्कि सारे गांव का भला हो सकता है। ये तो मुझे किसी भी तरह हासिल करना ही होगा, लेकिन कैसे? इस तरह सूरज हमेशा बस उसी खजाने के बारे में सोचता रहता था, लेकिन वो ये चाहता था कि पूरी तरह तैयारी करने के बाद ही अपना कदम आगे बढ़ाए। फिर दोबारा वो भोला के पास जाता है और अपने मन की सारी बात बताता है, लेकिन सूरज ये अच्छी तरह से जानता था कि उसका पिता उसे समंदर के अंदर जाने की अनुमति कभी नहीं देगा। इसीलिए सूरज बहुत ही मेहनत करके वो मरीन इंजीनियरिंग भी पढ़ता है, क्योंकि जो समझ सूरज के पास थी वो इन सब के लिए काफी नहीं थी। इसीलिए वो इस पर स्टडी करता है और सारी बात पता करता है। जिसको पढ़ने के बाद सूरज को ये बात पता चली कि हर बड़ी सी बड़ी मछली भी एक वेल मछली को देखकर बहुत डर जाती है। फिर सूरज अपना दिमाग चलाता है और एक सबमरीन बनाता है और वो सबमरीन देखने के लिए बिल्कुल एक बड़ी सी वेल मछली की तरह लग रही थी। फिर वो मछली लाकर भोला को दिखाता है। फिर सूरज, भोला और कुछ लोग मिलकर उस समंदर के खजाने के पास जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर सारे लोग मिलकर
उस नाव में बैठ जाते हैं और फिर समंदर के अंदर चले जाते हैं। जितना सूरज ने सोचा था उससे कई ज्यादा मछलियाँ उसने वहाँ देखी थी, लेकिन ये सारे लोग व्हेल मछली में बैठे थे इसलिए इनके जान को कोई खतरा नहीं था। लेकिन उस खजाने को पाने के लिए उस मछली से बाहर निकलना जरूरी था, लेकिन वहाँ रहने वाली सारी मछलियाँ नहीं गई थी, कुछ मछलियाँ वहीं घूम रही थी। अगर हम में से कोई भी बाहर निकला तो वो मछलियाँ हमें मार डालेंगी। अब हमारे पास पीछे मुड़ने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। इतनी दूर आने के बाद वापस चले जाए इसकी कोई जरूरत नहीं है। उन मछलियों को उनका खाना चाहिए, हम नहीं, और उसकी तैयारी मैंने पहले से ही कर रखी है। सूरज को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि उनको कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो एक बड़े से नाव में बहुत सारा खाना ले गया था और वो नाव खजाने के ऊपर खड़ा हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता उससे खाना नीचे गिर रहा था, जिसे देखकर सारी मछलियाँ खाना खाने के लिए चली जाती है। फिर सूरज और बाकी लोग उस खजाने को लेने के लिए जाते हैं और उस खजाने का कुछ हिस्सा लेकर वापस आते हैं। लेकिन एक ही दिन में सारा खजाना लेना नामुमकिन था, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके वो हर रोज ऐसा ही काम करते थे और एक दिन सारा का सारा खजाना वो पा लेते हैं। सूरज की मेहनत और उसका पढ़ना दोनों ही रंग लाए थे, जिससे सूरज के घर की ही नहीं बल्कि उनके पूरे गांव की परिस्थिति बदल गई थी। सारे लोग सूरज से बहुत खुश थे। ये सब देखकर सूरज मन ही मन बहुत खुश हो जाता है कि उसके पिता ने उसे पढ़ाई के लिए भेजकर बहुत ही अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से वो आज उसके लिए और उसके सारे गांव के लिए इतना अच्छा काम कर पाया था।